हेलो एवरीवन, आज है लेक्चर 3 और लेक्चर 3 में हम पढ़ रहे हैं क्रिटिकल फील्ड। इससे पहले वाले दोनों लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी आपको ये आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं क्रिटिकल फील्ड। अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था प्रसिस्टेंट करंट, तो कंफ्यूज नहीं हुएगा। क्रिटिकल फील्ड, प्रसिस्टेंट करंट, क्रिटिकल करंट में तो एक एक को समझिए, उसको कंसेप्ट को, उसके बाद उसको राइट डाउन करिए। तो क्रिटिकल फील्ड को समझने के लिए हम डायग्राम प्रीवियस वाला ही यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक मटेरियल लिया जो सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर शो करता है। उस मटेरियल को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो फ्लक्स जो है उसमें पास आउट हो रहा था। अगर इसका टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो ये फ्लक्स पास आउट नहीं होगा बल्कि पुश आउट होगा ड्यू टू मेसनर इफेक्ट। और ड्यू टू मेसनर इफेक्ट का मतलब क्या है, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ये जो सुपर कंडक्टर मटेरियल है ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में पहुंच गया है और डायमैग्नेटिक हो गया है, जिसकी वजह से ये लाइन ऑफ फोर्सेस को पुश आउट कर रहा है बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अब हमने इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, ये पुश आउट कर रहा था क्योंकि ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है। अब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये लाइन ऑफ फोर्सेस जो पुश आउट हो रही थी वापस से सीधी होनी स्टार्ट होंगी, और एक टाइम ये आएगा कि वापस से ये इस तरीके से मूव करेंगी। टेम्परेचर हमने वेरी नहीं किया, ब्लू क्रिटिकल टेम्परेचर था जो भी हमने रखा हुआ था, और लाइन ऑफ फोर्सेज जो पुश आउट हो गई थी वो वापस से स्ट्रेट पैरेलल हो गई। तो वो एक्सटर्नल फील्ड जहां पर मटेरियल वापस से सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ गया है, इसका मतलब क्या है कि मटेरियल की जो सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर था जिसकी वजह से लाइन पुश आउट हो रही थी वो पुश आउट नहीं हो रही है। वापस से लाइन जो है लाइन ऑफ फोर्सेस स्ट्रेट पैरेलल मूव करने लगी, उस एक्सटर्नल फील्ड को कहते हैं क्रिटिकल फील्ड। तो एक डेफिनेशन क्या हो गई क्रिटिकल फील्ड की, द मिनिमम अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय इट्स सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर, जिसकी वजह से लाइन ऑफ फोर्सेस पुश आउट हो रही थी, एंड रीस्टोर इट टू इन नॉर्मल स्टेट। तो नॉर्मल स्टेट में क्या है, लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, इज कॉल्ड क्रिटिकल फील्ड। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल फील्ड, मिनिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द मटेरियल लूजेस इट्स सुपर कंडक्टिविटी एंड रीस्टोर नॉर्मल रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड क्रिटिकल फील्ड SC। व्हेन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू SC, द सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज डिस्ट्रॉयड एंड मटेरियल अंडरगोज इनटू अ नॉर्मल स्टेट। तो यहाँ पे डायग्राम है जिसके अंदर दिखा रखा है कि किस तरीके से क्रिटिकल फील्ड और ट्रांजिशन टेम्परेचर में रिलेशन होता है। तो जब ट्रांजिशन टेम्परेचर पे मटेरियल है तो कम मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे ट्रांजिशन टेम्परेचर 0 केल्विन की तरफ हम जब जाते हैं, बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर जब हम मटेरियल को रखते हैं तो उस केस में ज्यादा क्रिटिकल फील्ड या ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिंग स्टेट और उसको वापस से नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए। फेज बाउंड्री है ये इसकी जो डॉटेड लाइन है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है मटेरियल का, वाई एक्सिस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है कि किस तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और टेम्परेचर में रिलेशन होता है। तो हर एक मटेरियल का ट्रांजिशन टेम्परेचर अलग है, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर अलग है तो उसके लिए उसका क्रिटिकल फील्ड भी अलग है। तो हम इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को PC पे रखा हुआ है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे, तो जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख रहे हैं वो थोड़ी सी ही वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो लाइनें वापस से नॉर्मल हो जाएंगी जो वो पुश आउट कर रहा था सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्या कर रहा है, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को पुश आउट करता है, मेसनर इफेक्ट होता है। तो हल्की सी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाइड की, वापस से वो मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में पहुंच गया और लाइन ऑफ फोर्सेस उसमें से पास आउट होने लगी। जब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर TC है, अब अगर हम इस TC से बिलो टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं मटेरियल को, तो जितना ज्यादा TC से कम वैल्यू होगा, टेम्परेचर होगा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का, उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना, अप्लाई करना पड़ेगा हमें उसको रीस्टोर करने के लिए नॉर्मल स्टेट में। क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर
डोमिनेट करेगा, ज्यादा होगा बिलो टीसी, तो उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा टू रिस्टोर द नॉर्मल स्टेट। और जीरो केल्विन पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं वो मैक्सिमम होगी, एच नॉट से हम डिनोट करते हैं। और ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्रिटिकल फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड में, और ये जीरो क्या है, जीरो केल्विन, तो जीरो केल्विन पे कितना क्रिटिकल फील्ड है उस मटेरियल के लिए, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, मैथमेटिकल रिलेशन। फॉर सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू एग्जिस्ट देयर इज अ सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैथमेटिकली दिस रिलेशन इज गिवन एज एच सी इक्वल टू एच नॉट वन माइनस टी अपॉन टी सी टू होल स्क्वेयर, वेयर एच नॉट इज अ क्रिटिकल फील्ड एट जीरो केल्विन पे जितना हम अप्लाई कर रहे हैं, टी इज अ टेम्परेचर बिलो टी सी जिस जो भी पर्टिकुलर उस सुपर कंडक्टिंग मटीरियल का उस टाइम टेम्परेचर होगा बिलो टी सी, टी सी इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर उस मटीरियल का। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी ले रखे हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पैरामीटर्स हैं, 4 में से 3 वैल्यूज गिवन होंगी और एक वैल्यू पूछी होगी, उसका क्रिटिकल मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर दिया होगा, टेम्परेचर गिवन होगा, क्रिटिकल फील्ड टेम्परेचर पे पूछी होगी या क्रिटिकल फील्ड जीरो केल्विन पे पूछी होगी, टी पूछा होगा या टी सी पूछा होगा, तो कोई 3 वैल्यूज आपको गिवन होंगी और 1 वैल्यू आपसे कैलकुलेट कराएंगे, तो उस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं, तो इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, लिमिटेड न्यूमेरिकल्स हैं सुपर कंडक्टर्स में, तो एक साथ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। और होप कि आज आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू।